तुमको पराए घर जाना, किसी से बेटी दिल ना लगाना। तुमको पराए घर जाना, किसी से बेटी दिल मारा दया पनाइलू शरम नहीं आई है ज्योति। दूसरा मरद सजन अपनाइलू शरम नहीं लाग है बहिन। गौवा उंगम का चर्चा बा सीमा? अरे भैया वही है चर्चा बा कि ऐसे ना करे चाहिए। जब आदमी इतना मतलब प्रयास कई के इतने ऊंचे आपका ओहदा पहुंचाए तो कम से कम ओके तो लाज रखे कर रहन, ओके तो कदर करे कर रहन, ओके तो सोचे कर रहन, ओके हो जही सही बात भैया। अब तो एक उनके अंदर भरम हो गया, लेकिन सब ज्योति जैसे नहीं ना केवल नौकरी पाए को जा सुन के घमंड हो गया। हाँ। घमंडी चीज होगा कि हम एसडीएम बन गए, हमारे कुछ कह नहीं सकते। हाँ। इनके अंदर ही घमंड होगा। अब उनका उना ही नीक लागत बा। हाँ। लेकिन जब रुपया कमाए के लगा तब तो का सोचे कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सुराव तहसील में है। अगर हम बता दें कि हम उसी तहसील के अंतर्गत खड़े हुए हैं जहां की ज्योति मौर्या एसडीएम रह चुकी हैं। हालांकि ऐसे यहां पे आए थे, हम प्रयागराज में थे तो सोचे कि सोराव तहसील के अंतर्गत जब हमने सुना कि यहीं सोराव पड़ता है तो हमने वहां गांव के लोगों से ये पता करने की कोशिश किया कि यहीं पर ज्योति मौर्या जो थी एसडीएम थी। तो यहां के एक लोग मुझे एक महिला मिल गई हैं जो कि अपने विभागीय अंदाज में अपनी बात रखना चाहती हैं ज्योति मौर्या के बारे में, क्या कैसे प्रकरण है और ज्योति मौर्या का जो प्रकरण है ये गाँव में इसका क्या प्रभाव है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत बाय आपके। का नाम बा? सीमा यादव। सीमा यादव नाम जी। सीमा यादव, तहसील आपके कहाँ है? सोराव। अच्छा, सोराव तहसील जी। अच्छा, का ये तुमका पता बा कि सोराव तहसील के ज्योति मौर्या एसडीएम रहें और आज उनकर चर्चा पूरे भारत में होत बा? भैया चर्चा तो बहुत होता है, गांव में बहुत ज्यादा होता है। एक छोटे छोटे बच्चे के जबान पे ज्योति मौर्या की बात मतलब गूंजत यह है, बच्चे भी बात कर रहे हैं। अच्छा, का तुमका पता बा ज्योति मौर्या का के हैं? अरे गलत तो बहुत करे हैं भैया, आप कैसे बताई काव काव के हैं, बताओ का का जाना थू ज्योति मौर्या? अरे बहुत कुछ मान के चले कि अपने पैर पे तो आप कुल्हारी मार ली। हाँ। और जो छोटे छोटे कलाकार हैं जो मतलब बाहर अपने बीबी पढ़ाते हैं उन बुला लेता है, हम सब लोग जैसे ही मान चलो थोड़ा बहुत कुछ काम में लगे हैं तो हमारे सबके काम पे गोबर लीप दीन, अपने पैर पे तो कुल्हारी मारी लीन, ऐसी बात यह है। काव सुनो ज्योति के बारे में। अरे बहुत गंदा काम करी, ऐसा उनका नहीं करे ग्रहण। हाँ। जब आदमी मतलब कि जब पढ़ाई से लिखाई हर एक चीज करे। हाँ। तो उनका इतना गलत कदम नहीं उठावे कर रहन। हाँ। आदमी तो भगवान हो थी। हाँ। और भगवान का ठुकराए के और मतलब नौकरी पाए गए तो उनका कुछ दिखावे ना भा। हाँ। कि हम का करी का ना करी, तो बहुत गलत काम करे। और जितना नाम तो ज्योति के मतलब कि जब एसडीएम भइन तब नहीं भा, अब उससे ज्यादा नाम अब होता है। हाँ। नहीं हमका सकत कहो पता नहीं रहन कि के एसडीएम है हियाँ के हमारे यहाँ के। तो ये नमवा अच्छाई पे होत बा ई खराबी पे होत बा? नहीं भैया बहुत खराब करे हैं, खराबी पे होता है। जब इतने बड़े ओहदा जाए के इतना गंदा काम कैसा करती, तो छोटे आदमी सब डराए गए भैया जब आज ये कई ले हैं यहाँ तो भैया हमारे बीबी ऐसे कैसा करती। हाँ। हर एक इंसान डर गहा इनके वजह, लेकिन इनका ऐसा गलत कदम नहीं उठावे के रहन। अच्छा ये बतावा कौनो मेहरारू के शादी होए के बाद का वो कौनो दूसरे गैर मर्द से वो उसके संपर्क में रह सकती है? नहीं भैया तो गलत बात है, दोस्ती हर एक इंसान करते हैं लेकिन गलत संबंध कोई नहीं करता। ये सब बहुत गलत चीज है शादी के बाद। अगर गलत संबंध है तो अपने आदमी से करा, आदमी यहाँ आईने कि हम बड़े मतलब ओहदा पर चले गए तो आदमी का भूल गए, ये सब गलत चीज। अगर आप इतने ओहदा पर रहें तो अपने आदमी का अपने ओहदा पर करा लेती, आपके हाथ में तो हर एक पावर रही, आपके पास का नहीं रही, हर एक चीज रहन जहाँ जो ऊपर मतलब ओहदा कह देती अपने आदमी का आपके साथ। कौन सा गाना है आपका? गाना ही है भैया इससे मतलब कि पहले हमारे यहाँ मतलब हम सब गाना गाते हैं कि तुमको पराए घर जाना, किसी से बेटी दिन ना लगाना। हम मतलब पहले हमारे यहाँ लगन में शादी में मतलब गावत रहे तो यह मतलब गाना के माध्यम है। तुमको पराए घर जाना, किसी से बेटी दिल ना लगाना। तुमको पराए घर जाना, किसी से बेटी दिल ना लगाना।
बागों में जाना, बागीचा में जाना, बागों में जाना, बागीचों में जाना, मलिया से करके बहाना, किसी से बेटी दिल ना लगाना, मारे काटारी मारे जाना, किसी से बेटी दिल ना लगाना। वाह क्या बात है, यहाँ तो दो बच्चे की माँ दिल लगा ले रही है, इस पे क्या? अब भैया यह तो बात ही नहीं है कि जब महतारी बाप अपने बिटिया का मतलब शादी पहले समझा, अब क्या समझावे? और शादी पहले एक जगह की इज्जत जात महतारी बाप के, अब शादी के बाद दो जगह की इज्जत गए, महतारी बाप के गए, ससुर वालन के, उन्हों के सास ससुर के गए, हर आदमी के गए, बहुत जने की इज्जत गए। ज्योति मौर्य दो बच्चे के बाद प्यार कर ले जर जवान ज्योति के नमोवा बाटे उ केकरे साथे जोड़ा जात बा पता बा? अरे भैया कोनो दुबे यहाँ, अब नाम तो मतलब इतनी समय याद है, कोनो दुबे यहाँ उनके और हो ना करे चाहे उनके पास। मनीष दुबे नाम, मनीष, हाँ मनीष दुबे यहाँ, मनीषों को मेहरारू रही, हाँ कहा शादी शुदा है, उन्हों बहुत गलत काम करे यहाँ, शादी शुदा होते हुए दूसरे के पेटे पे लात मारे यहाँ, तो ऐसे ना करे चाहे। अच्छा ये बतावा उत्तर प्रदेश में बड़ा बड़ा अधिकारी ये कुल काम करत है? अरे भैया छोट आदमी एक तो ना ही जनात बा, लेकिन इनका तो जना ही गवा। हाँ अब इनके अब बड़े ओहदा पर रहन, जब इतने बड़े ओहदा पर होकर ऐसा गलत काम कर गए तो छोट आदमी के कौन मतलब में सवाल ये है? अब कुछ भी कह सका थी, तो यही वजह तो सब आदमी मतलब अपने औरत से डराई गए हैं। का कुछ लाइन वाइन बनाए हो का ज्योति सुनाओ? हाँ भैया बनाए ही एक लाइन, का कहा थी कौन लाइन बनाए हो जरा सुनावा तो सब लोग सुने चाहत हैं। अरे दूसरा मारा दया पनाई लियो सारा मनाही आई है ज्योति, दूसरा मारा द सजना अपनाई लियो सारा मनाही लागा है बहिनी, सास ससुर कई कदर न कई लियो, अरे सजना कई मोछावा उचारा लियो सारा मनाही लागा है ज्योति, दूसरा मारा दया बगाई लंडराई अपनी मेहरिया कल हेलन बलाई, तू है घरे चली आवा तू हई न पढ़ाऊ भे धनिया, जाऊ तू हो जाबू सडियम छोड़ी हम चली जाबू रणुआ हम हो बहे धनिया, छोड़ी हम चली जाबू रणुआ हम हो बहे धनिया। एक बार नाम फिर से बता दीजिए अपना। हाँ अपन नाम बताओ। सीमा यादव। सीमा यादव, आपको बता दें कि सोराव तहसील में है और ये हमारे साथ सीमा यादव हैं, और गांव में जो अगर चर्चाओं की बात करें तो लोग तमाम प्रकार के रील्स बना रहे हैं, तमाम प्रकार के भोजपुरी गाने लॉन्च हो रहे हैं ज्योति के ऊपर। अच्छा यह प्रकरण से समाज में गौवा उंगम का चर्चा बा सीमा? अरे भैया वही है चर्चा बा कि ऐसे ना करे चाहे, जब आदमी इतना मतलब प्रयास कई के इतने ऊंचे आपका ओहदा पहुँचाए तो कम से कम ओके तो लाज रखे कर रहा, ओके तो कदर करे कर रहा, ओका तो सोचे कर रहा के बारे में कि आज नहीं कोजा से हम इतने ऊपर गए और नहीं का हम लाते तेरे दाद दे, तो गलत ही बात तो आए, गलत है कि नहीं? हाँ यही वजह से सब लोग डराए गए हैं। अब ऐसे है कि अगर आदमी को वजह से आए कि कुछ भी काम अगर हम हो कह सकी था कोनो भी काम में जुड़ा है जो छोटे लोग उन्होंने डर गए आदमी डराए गए भैया आज कोनो चीज में हो जाए तो हमका छोड़ के चली जाइए, ऐसे अच्छा घरे में रहा कोनो काम ना करा, तो अब इनके वजह सबसे ज्यादा महिला के ऊपर दबाव पड़ेगा। हाँ अच्छा ये बतावा कि बहुत सारे लोगन जवन हैं पढ़ावत नहीं हैं, तब विश्वास करे के चाहे कि ना सब ज्योति थोड़ी हो जाए, सही बात भैया? अब तो एक उनके अंदर भरम हो गया, लेकिन सब ज्योति जैसे नहीं ना, केवल नौकरी पाए को वजह से उनके घमंड होगा। हाँ। घमंडी चीज होगा कि हम एसडीएम बन गए हमारे कुछ कह नहीं सकते। हाँ। इनके अंदर ही घमंड होगा, अब उनका उना ही नीक लागत बा। हाँ। लेकिन जब रुपया कमाए के लगाई तब तो सोचे के रहन। हाँ। तब तो चपरासी रहन कुछ भी रहन दूठी लड़की आपके बहन, तब नहीं समा अब सोचिन की हम नौकरी पाए गए का करिए जहाँ
हम जौन कुछ करब, लेकिन इतना नीच काम अब कहूँ मुँह दिखावे लाई नहीं बाटिन, कहूँ दिखावे लाए और तो हयो नहीं ना। लेकिन अब सास ससुर हर एक इंसान एक नीचे निगाह से गिर चुका है उनके उनके, उनके जो ज्योति के पिताजी हैं, जब उनके घर पर मीडिया जाती है तो दरवाजा कर लेते हैं, मिलते नहीं। अब उनके बोले लाए मुँह ही नहीं ना, पकड़ इन सब नीचे बोर दे, यहाँ ज्योति तो कहा बोली है बताओ हम, उनका बोले लाए छोड़े नहीं ना, और बोली है कहा दरवाजा ना बंद करिए, खोले रही है गेट, अब खोलिए तो कहा कही भाई ना गलत काम करते तो मोछा ताव दे के निकलते, हमारे बिटिया डीएम भाई है। तो भाई एक लाइन मोछिया वाला फिर से, मोछिया वाला फिर से एक लाइन। माई बाप कई का दरव न कई लियो, माई बाप कई का दरव न कई लियो, बापई कई मोछावा उचारा लियो सारा माना ही लाग है बहिनी, बापई कई पगड़ी तू बोरा लियो सारा माना ही लाग है ज्योति। क्या बात है। तो आपको बता दें कि मेरे साथ सोराव तहसील की गांव का क्या नाम है आपके? हमारे गांव मतलब लाल गोपालगंज मतलब पड़ता है गोपालगंज। आप लाल गोपालगंज के बगल की रहने वाली सोराव तहसील की रहने वाली ये सीमा यादव है हमारे साथ, और ये गांव में क्या माहौल है ज्योति के बारे में ये बता रही है। हालांकि दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।